हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला पाठ है छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनगणना जो भी आपका 2011 के हिसाब से हम करेंगे, तो जनगणना जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो जनगणना को सेंसस बोला जाता है। 2011 के हिसाब से हम चलेंगे, नया अभी जो है जनगणना हुआ नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है जनगणना की बात करूँ तो जनगणना जो कि केंद्र सरकार के सूची का एक विषय है, जनगणना जो कि केंद्र सूची का एक विषय है, और जो हर साल इसको जो प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और 2011 याद रखिएगा, 2011 का जो जनगणना राज्य निर्माण के पश्चात ही आपका दूसरा जनगणना है, इसको याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के राज्य जैसे निर्माण हुआ था, ये आपको उसी के पश्चात ही आपका सेकेंड जनगणना है, इसको भी याद रखना है। और भारत में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, तो याद रखिएगा सन 1872 में। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके कार्यकाल में, लॉर्ड, याद रखिए लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था भारत में जनगणना की शुरुआत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। और भारत में नियमित जनगणना, ये भी क्वेश्चन पूछा रेलवे एसएससी वगैरह में, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1881 याद रखिएगा। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन, याद रखे तो लॉर्ड रिपन के द्वारा राज्य में नियमित जनगणना सन 1881 में इनके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जिसको भी याद रखिएगा। 1911 से 1921 तक का समय भारत का जनसंख्या विभाजक दशक भी माना जाता है, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको याद रखिएगा। और हर साल 11 जुलाई सन 1987 को विश्व जनसंख्या जो है, विश्व में जनसंख्या देखेंगे 5 अरब से भी ज़्यादा होने के कारण हर साल हम 11 जुलाई को जो कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस अभी तक हम मनाते आ रहे हैं। कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या मनाया था 11 जुलाई 1987 में 5 अरब ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस रूप में चुना गया है, इसको याद रखिएगा। तो वहाँ पे जो है आपका जनगणना जो कार्य गृह मंत्रालय के जो अधीन ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा ये आपका की है, उनके कार्य जो गृह मंत्रालय के अधीन जो ऑफिस रजिस्ट्रार के द्वारा ही इनका किया जाता है, जनगणना के जितने भी काम होते हैं, इसको याद रखिएगा। जनगणना का स्वार 2011 के अनुसार देखेंगे तो क्षेत्रफल देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रफल कितना है जी, छत्तीसगढ़ की जो अगर देखेंगे क्षेत्रफल तो कैसे याद करना है, 135192 ऐसे याद करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ का क्षेत्रफल 135192 वर्ग किलोमीटर है, 135192, तो इसको याद रखना है आपको यहाँ का जनसंख्या। तो हमारा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या तो देख ली है, यहाँ पर भारत के लगभग देखेंगे तो 121 करोड़, ये आपको भारत की है, और देखेंगे ये भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, और छत्तीसगढ़ की 255,45,198 इतनी जनसंख्या हमारी छत्तीसगढ़ की है। जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे, ग्रोथ रेट कितनी है, 17.69% तो 17.69 यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है भारत की, 22.61 हमारी छत्तीसगढ़ की है। तो याद रखिए 22.61% है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है छत्तीसगढ़ की। और जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जनसंख्या घनत्व जिसको डेंसिटी बोला जाता है 382, ये आपको भारत का है, और छत्तीसगढ़ का 189 है, 189 छत्तीसगढ़ का, 382 ये आपका भारत का है। तो इसको साथ में इसलिए बता रहा हूँ, भारत से पूछे चाहे छत्तीसगढ़ के पूछे, दोनों आपसे पूछना ही पूछना है, इसलिए मैं दोनों को साथ में बता रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। तो डेंसिटी कितने हैं भारत का, 382, छत्तीसगढ़ का 189 है, तो इसको याद रखिएगा। लिंगानुपात जिसको सेक्स रेशियो बोला जाता है, ये 943 ये आपका इंडिया का है, 943 ये हमारे जो लिटरेसी रेट जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात 943 भारत का है, और 991 हमारे
छत्तीसगढ़ कह दिया, दोनों को याद रखें, 943 इंडिया 991 जो है हमारी छत्तीसगढ़ की सेक्स रेशियो लिंगानुपात बोलते हैं। लिटरेसी रेट देखते हैं, लिटरेसी रेट जिसको हम साक्षरता बोलते हैं, तो साक्षरता कितनी है, जो साक्षरता दर है लिटरेसी रेट 943 ये हमारी भारत का है, 943 भारत का है और 991 ये तो ये आपका, अच्छा हाँ लिटरेसी रेट ही आपको, अच्छा मैं इसको बता रहा था लिंगानुपात को, लिटरेसी रेट यहाँ पे बताना है, तो लिटरेसी रेट देखें साक्षरता 72.99% हमारी इंडिया का है लिटरेसी रेट, और अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो 70.28% हमारा छत्तीसगढ़ की है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को ही आपका साक्षरता दर बोला जाता है, तो 72.99% ये आपका भारत का है, 70.28 हमारा छत्तीसगढ़ के, तो इसको याद रखिएगा और देखेंगे। और यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे थोड़ा बैकग्राउंड है तो इसको जानना जरूरी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो लिंगान जितने भी बताएँ उसको तो आपको रटा होना चाहिए, लिंगानुपात बताया सेक्स रेशियो 943 इंडिया 991 छत्तीसगढ़ का, साक्षरता लिटरेसी रेट 72.99 ये आपका भारत का है, 70.28 हमारा छत्तीसगढ़ का, सभी आपको रटा रुटा होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर, अभी जस्ट बताया है लिटरेसी रेट बोलते हैं, तो यहाँ पे 2011 नहीं बोला गया है, 2001 तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा पूछ सकता है। तो देखेंगे जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, तो आपका कितने हैं जी, तो आपका 64.64 ये आपको क्या बोला है, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर बोला गया है, तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 64.1% है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये आपका एक है 64.1% ये आपका 2011 का है, और अगर 2011 का पूछे तो बता चुका हूँ तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी, 60.73%, 70.30%, 80.9% या 90.43%। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर जिसको लिटरेसी रेट बोलते, तो मैं भारत का भी बताया था आपको, छत्तीसगढ़ का भी बता दो, छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बताना है, तो छत्तीसगढ़ 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपका 70.28% यहाँ पे मैं बताया था, ये आपका दो हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, तो 70.28 आपको आंसर लेना है, यहाँ पे ये आपका ठीक है टाइपिंग, इसको मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में, तो 70.28% हमारी छत्तीसगढ़ की है, भारत के पूछे, भारत के अगर पूछे तो आपको 72.99% है, तो आपको याद रखना है 72.99 यहाँ पर भारत का है, छत्तीसगढ़ का 70.28%, तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे एक बोला गया है पुरुष का, तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर ये आपका कितनी है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखें 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर मैं बताया था, लिटरेसी रेट यहाँ पे 70.28% छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, और 2001 में अगर देखेंगे जनगणना 2001 के अनुसार तो आपका 64.66% ये आपका रहा था 2001 का, या आपका 2011 का, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे स्त्री और पुरुष का, महिला और जो है पुरुष का यहाँ पे साक्षरता देखेंगे देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका पुरुष का, पुरुष को कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पुरुष का आपका 60.1 एग्जिट वाला बता रहा हूँ, 60.24% 60.24% ये आपका ठीक है, यहाँ पे पुरुष का बता रहा हूँ मैं, ये आपका महिला दोनों को बता रहा हूँ, यहाँ का देखेंगे तो पुरुष का 80.27% ये आपका पुरुष का है, 60.24% 24% ये आपका महिला का है, पुरुष का है 80.27% और महिला का है 60.24%, ये डाटा को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर, तो अभी बताया हूँ महिला साक्षरता यहाँ का 60.24 ये आपका 24 है, 60.24%, ये रट लीजिए, ये आपका महिला का है। अब पुरुष का तो अभी बताया हूँ, पुरुष का इसमें 80.27% है, तो महिला और पुरुष 2011 के महिला साक्षरता दर है उसके अनुसार यहाँ पे डाटा तैयार। अगर दूसरे स्टेट से अगर कंपेयर करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर लिटरेसी जो रेट है राजस्थान राज्य से अधिक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो साक्षरता थे देखेंगे तो ये आपका 2001 में साक्षरता दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, तो आपका 23वां स्थान है, ये आपका साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, तो वहाँ पे इसके पहले जस्ट मैं 2001 के बताया था, और 2011 में साक्षरता दृष्टि से छत्तीसगढ़ ये आपका 20वां क्रम है और 2001 में 23वां क्रम है, तो उसको याद रखिएगा, कहीं से भी टॉप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2011 का पूछे तो 20वां स्थान, 2001 में आपका 23वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना कब हुई थी, 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में, इसका जो सभी आंसर सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना कब हुई थी, तो ये आपका 2011 में हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो 2011 का जो जनगणना है राज्य निर्माण के पश्चात ही आपका द्वितीय जनगणना है, दूसरा जनगणना है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में जब अलग हुआ हमारा छत्तीसगढ़ जो स्टेट मध्य प्रदेश से, तो छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य जब अलग हुआ उसी के रूप में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 2000, 2001, 2002 या 2003 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में हुई थी। तो अलग हुआ जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो प्रथम जनगणना सन 2001 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितने, मतलब ग्रामीण में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, 78.79%, 76.76%, या 70.70%, या 74.36%। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76.76% याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण जनसंख्या 76.76%, डाटा को आराम से याद हो जाएगा, नॉर्मल है। तो 76.76 यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें जशपुर लगभग 91%, उसके बाद दुर्ग 61%, इसके बाद ये आपका बलरामपुर 96%, और दुर्ग आपका 36%, ये आपका इसके अनुसार यहाँ पे सबसे ज़्यादा जशपुर में 91%, दुर्ग में आपका सब 61% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे ऐसे निवास कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, 9वां, 4वां, 10वां या 12वां, तो अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आपका 10वां क्रम में है, इसको याद रखिएगा। तो अनुसूचित जनजाति के मामले में कित 10% छत्तीसगढ़ का क्रम है, यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति यहाँ पे कितना निवास करते हैं, तो आपको 32, 76 या आपका बत्तीस, 74 और आपका 269, ये छत्तीसगढ़ में इतने जो लोग यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देखेंगे तो आपके जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 16, 21, 27 या 18, तो देखेंगे जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई गई है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनवरी तो 2012 की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या यहाँ पे 27 यहाँ पे हो गई थी, तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश हुकूमत जो लॉर्ड मेयो के समय में कब कराई गई थी, 1872, 1881, 1890 में या 1888 में, तो इसको मैं तो सभी स्टार्टिंग में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में, याद रखें। तो भारत में पहली जनगणना जो ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे, तो लॉर्ड जो मेयो थे, लॉर्ड
मेव नाम को तो आपको याद रट लेना है, लाड मेव। तो लाड मेव के समय यहाँ पे 1872 में यहाँ पे कराई गई थी। तो भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 लाड मेव के काल में हुई थी, लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लाड रिपन के द्वारा कराई गई थी। नियमित जनगणना 1881 में थे। दोनों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, चाहे आप भारत की जीके ले लें, चाहे छत्तीसगढ़ के जीके हो, वैसे टाइप के पैटर्न को तैयार किया गया, जो कि आपके कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछे तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। बाकी आपसे मजदारों के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।